यहाँ पे हमने क्लोज किया था ना सेशन अभी अपना, ठीक है? एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन? एक थम्स अप दे दो प्लीज। ठीक है, चलो ग्रेट। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक छोटा सा कोट है, लेट्स मूव अहेड फर्दर। ये प्रेजेंटेशन चाहिए होगी मैं शेयर कर दूंगा। अब हमने बात तो करी इंडिया के अंदर एक बिजनेस एक्टिविटी को करने की, डन। द पॉइंट इज अब मैं इंडिया में एक बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहा हूं, मेरे पास टैक्सेशन का इफेक्ट कैसा आएगा? ठीक है, आप चाहे प्रोप्राइटरशिप में करो, चाहे पार्टनरशिप में करो, चाहे कंपनी में करो, जो मैंने आपको बताया थे, चाहे एलएलपी करो, ये जो टैक्सेस हैं ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इट मींस वो तो सिर्फ एक लीगल एंटिटी थी काम करने के लिए, अब मैं बात करता हूँ इंडिया में टैक्स की कैलकुलेशन की। ये जो इंडिया में हम प्रॉफिट करेंगे या सेल परचेज करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट उससे कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, ताकि ये जो रोड्स बन रही है हमारे बाहर वो रोड्स बन पाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनसे मांग रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल पाए, रोड्स पे चलने के लिए जो ट्रक चलते हैं उनको चलाने के लिए जो रोड्स हैं वो हमारी बन पाए, जो पुलिस वाले हैं उनकी सैलरी जा पाए, ताकि हम एक एनवायरमेंट में रह पाए जहां पे हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर पाए। गेटिंग इट वाइल? ठीक है, तो जब मैं इंडिया में आता हूँ, इंडिया में जब मैं टैक्सेस की बात करता हूँ, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। One is known as is income tax and another is known as goods and services tax. जो आप सबने सुना है income tax और GST. ठीक है जी, चलिए अब open question to all सबके लिए है, क्या कोई मुझे इन दोनों में difference बता सकता है? Hello. Income tax होता है जो इंसान काम करके income earn करता है, राइट? और गुड्स एंड सर्विस बिजनेस के लिए होते हैं। किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए, चलो ठीक है। तो यानी नहीं, आपकी क्वेरी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, यानी एक बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस कर रहा है, शॉप खोल के बैठा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके बैठा है जीएसटी, क्या उसको इनकम टैक्स भरना है या नहीं भरना? भरना है, भरना है सर। पक्का? यस सर। अभी वहां से जवाब आ रहा था सर नहीं भरना। सर लिमिट तो होगा ना सर इसके अंदर, तो लिमिट की क्रॉस कर दिया तो भरना ही पड़ेगा। ओ ये बात सर, मतलब मैं ये बात पूछ रहा हूँ, जीएसटी तो मैं भर ही रहा हूँ, एक टैक्स तो मैंने भर ही दिया, तो क्या मेरे पे दोनों टैक्स लगेंगे? ये इनकम टैक्स तो सर इसके होता है, क्या बोलते हैं, जनरल पब्लिक पे भी होता है और ये बिजनेसमैन दोनों पे होता है। ठीक है, एक सर्विस तो सिर्फ बिजनेस करने वाला लोग होता है और ये कस्टमर बिल। हां हां, ये कस्टमर क्या करता है? कस्टमर पे करता है क्या? कस्टमर पे कर रहे हैं, पे करते हैं ना उसका मतलब। जीएसटी जो है मैं अपनी जेब से पे करता हूं या नहीं करता कभी? कस्टमर पे जीएसटी फ्रॉम माय पॉकेट और नो? नहीं नहीं पे करता अपनी पॉकेट से। कोई ऐसा है जो बोलता है जीएसटी हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं? नहीं है। चलो एवरीवन इज सेइंग सर जीएसटी हम अपनी पॉकेट से पे नहीं करते, बट पता नहीं लोग ये कहते हैं हमेशा पेमेंट तो मैं ही कर रहा होता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट से कट रही होती है सर। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चीज को हमें समझना है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा बात करता है ऑन द प्रॉफिट दैट यू अर्न, ऑन द इनकम दैट यू वॉन्ट। ठीक है, तो इवन अगर कोई पर्सन है जो सैलरी पे काम कर रहा है एंड उसको सैलरी मिल रही है, इवन ऑन दैट सैलरी ऑल्सो गवर्नमेंट सेज आपकी इनकम हो रही है एंड यू हैव टू पे योर टैक्स। गेटिंग इट वेल? इनकम टैक्स अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, सपोज एक गोलगप्पे वाला ही है आपके पास, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, बट वो गोलगप्पे बेचता है और कमाई करता है अच्छी खासी, क्या उसको इनकम टैक्स भरना है? हाँ, उसको इनकम टैक्स भरना है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने बहुत सारी दुकानें खोली हुई हैं, काम कर रहा है, क्या उसको इनकम टैक्स भरना है? सर कंफर्म्ड भरना है। इट मींस इनकम टैक्स नीड टू बी फाइल ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, हर आदमी को इनकम टैक्स भरना है इंडिया में। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की पुलिस की हेल्प लेते हो जब जरूरत पड़ती है, इंडिया में आप रोड्स इस्तेमाल कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल बने हुए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हो, इट मींस यू आर अ पार्ट ऑफ एन इंडिया
एंड इफ यू आर अर्निंग इनकम इन इंडिया, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे छोटे बिजनेस से हो, चाहे बड़े बिजनेस से हो, चाहे आपने एफडी पे इंटरेस्ट ही कमाया हो, यू आर ए ओल्ड एज पर्सन जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपना पेंशन का पैसा एफडी में हमने डाल रखा है और वहां से इंटरेस्ट आता है, या मैंने एक मकान रेंट पे दे रखा है उससे सिर्फ रेंट आता है, मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स, और अगर टैक्स बनता है तो आपको गवर्नमेंट को भरना है। गेटिंग इट फाइन? पॉइंट क्लियर हुआ? तो इनकम टैक्स हर एक को भरना है, चाहे बिजनेस करो या ना करो, जिसकी इनकम है भरेगा वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग कम्स आउट टू बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो ये बोला गया ये सिर्फ उस आदमी को भरना है जो कि बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, एंड दैट टू उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई, यानी कि कुछ छोटे लोगों को छोड़ा गया, वो बताऊंगा भी किनको छोड़ा गया, बट आपको पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हर उस व्यक्ति को पे करना है, हर उस व्यक्ति को इसकी रिटर्न भरनी है, हर पर्सन को भरनी है जो कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। बिजनेस एक्टिविटी रेफर्स टू, मैंने ब्रेड खरीदी और ब्रेड बेची, वो बिजनेस एक्टिविटी है। मैंने बर्तन खरीदे, यूटेंसिल्स खरीदे बेचे, वो बिजनेस एक्टिविटी है। मैंने एक सैलून खोल के सर्विसेज दे रहा हूँ, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। मैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान बेच रहा हूँ, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। मैं सिर्फ फोन पे एज अ लॉयर कंसल्टेंसी देता हूँ, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। मैंने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहाँ सर्विसेज दे रहा हूँ, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। एक ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। इट मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मैं बिजनेस या इनकम जनरेशन की बातें करता हूँ वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। एर इन दैट केस मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना और जीएसटी भरना जरूरी है। गेटिंग इट फाइन? दोनों लॉ समझ में आए? जीएसटी इज एप्लीकेबल टू द बिजनेसमैन, चाहे वो सर्विस दे रहा हो, चाहे वो सामान का सेल परचेज कर रहा हो गुड्स का। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल, इवन उस बिजनेसमैन के ऊपर भी इनकम होने पर एप्लीकेबल है, और एक नॉर्मल पर्सन जो सिर्फ सैलरी ले रहा है उस पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स बहुत बड़ी बात है और जीएसटी बहुत माइनर पार्ट है, ठीक है। जीएसटी अगर 100 लोगों पे अप्लाई है तो इनकम टैक्स 1000 लोगों पे अप्लाई हुआ, ठीक है। पॉइंट ये क्लियर हुआ, पॉइंट ये वाला, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट में जब मैं बात करता हूँ आपसे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी और इनकम टैक्स, जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन से जाता हूँ, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम टैक्स, ठीक है। ये वाली स्लाइड मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आपको बाद में लेके आऊंगा जस्ट एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। मेजर प्रेजेंटेशन कम्स आउट टू दिस पार्ट। मैंने अभी आपको बोला इनकम टैक्स हर बिजनेसमैन के ऊपर भी एप्लीकेबल है और जो बिजनेसमैन नहीं है उन पे भी एप्लीकेबल है। गेटिंग इट फाइन? ये बात मैंने अभी बोली, वही मैं बोल रहा हूं। इनकम टैक्स बोलता है जब मैं हर आदमी के ऊपर एप्लीकेबल हूं तो बताओ मैं किस किस पे एप्लीकेबल हूं। मैंने उसको बताया अगर आपको सैलरी मिलती है, यू रीड इट द फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको सैलरी मिलती है तो भी इनकम टैक्स लगेगा। आपने हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यहां मकान बेचना नहीं है, यहां रेंट पे मकान देना है। आपने अगर कोई मकान रेंट पे, कोई दुकान रेंट पे दे रखी है, इट मींस यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और आपको रेंट की इनकम होती है। अगेन मैंने बोला ना रेंट की इनकम, इनकम की बात आई तो इनकम टैक्स आ गया, यानि रेंट से जो इनकम कमा रहे हो उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन। मैंने एक लैंड खरीदी और एक साल में वो लैंड अच्छी खासी अप्रिशिएट कर गई, मैंने किसी को बेच दी, फाइन थिंग। या मैंने ये जो भी बात होती स्टॉक्स खरीदे, जो मैं कंपनी में शेयर्स खरीद रहा था और मैंने थोड़े दिन बाद वो शेयर्स बेच दिए, दीज आर समथिंग विच इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। शेयर्स खरीदना और बेचना, आप एक कंपनी में एक ओनरशिप खरीद रहे हो, ओनरशिप बेच रहे हो, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। आपने एक लैंड खरीदी और लैंड बेच दी, विच इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। आपने एक मकान खरीदा और मकान बेच दिया, विच इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, बिकॉज मैं रोज नहीं करता ये काम, ठीक है। इट इज समथिंग आप एक कैपिटल एसेट खरीद रहे हो। आपने सोचा तो था मकान 10 साल रखूंगा, लेकिन 2 साल बाद अच्छा प्राइस मिला, बेच दिया। आपने सोचा तो था 15 साल मकान रखूंगा, लेकिन आपको हिमाचल से शिफ्ट करना पड़ गया उड़ीसा, या उड़ीसा से शिफ्ट करना पड़ गया मध्य प्रदेश। आपने कहा अरे यार अब तो मुझे वहां शिफ्ट करना है, मकान बेच दो, ये दुकान बेच दो। गेटिंग इट फाइन? तो ऐसी कोई भी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में बेसिकली कवर होती है आपकी प्रॉपर्टी। गोल्ड, मैंने कोई गोल्ड खरीद रखा था, पुराना रखा था, मेरे पास मुझे बेचना है, मैंने वो बेच दिया।
ऐसी कोई भी एसेट जो कि मैं सेल परचेज में तो नहीं लेता लेकिन मुझे कभी कभी बेचनी पड़ती है, विच इज माई कैपिटल, जो मेरा अपना पैसा था उसको बोला जाता है कैपिटल एसेट। ठीक है, अगर मैंने कोई सपोज गोल्ड था मेरे पास जो कि मेरे फादर का था, मेरे पास कुछ 10 किलो गोल्ड रखा था और वो मैं आज जाके मार्केट में 1 करोड़ का बेचाया, ठीक है, तो दे सेज वो जो 1 करोड़ रुपए का आपने बेचा है उसके ऊपर इनकम हुई है आपकी, बिकॉज आपके फादर ने तो 10 लाख का ही खरीदा था, आज आपने 1 करोड़ का बेच दिया। इट इज एन नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी बट इट इज अ कैपिटल गेन, एक मैंने कैपिटल एसेट बेची है जिससे मैंने प्रॉफिट कमाया, गेटिंग इट फाइन। तो ऐसा कोई भी प्रॉफिट अगर मैं किसी लॉन्ग टर्म एसेट से कमाता हूँ, चाहे वो मकान है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो शॉप है, उसको बेच के उसको कवर किया जाता है कैपिटल गेन, गेटिंग इट फाइन। तीसरा, अभी तक तो देखो मैंने बिजनेस की बात ही नहीं करी, ये लोग वो थे जिन्होंने कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करी लेकिन इनकम करी, इनकम टैक्स ने कहा आ जाओ भाई इनकम टैक्स लाओ, इट मीन्स इनकम टैक्स है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तो हर जगह से अगर तुम कमाई करोगे तो मुझे इनकम टैक्स चाहिए, बात करता हूँ ये वाला टैक्स लगेगा। अब आया वो बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन ने बिजनेस में सेल परचेज करी, इनकम टैक्स ने बोला मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा रूल एप्लीकेबल है, तुम्हें जीएसटी लगता है या नहीं लगता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप तो मुझे सिर्फ इतना बताओ आपने जो बिजनेस करा क्या आपको उससे प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा हाँ सर मुझे उससे प्रॉफिट हुआ। अब मैंने घर में कोचिंग सेंटर खोल लिया था, कोचिंग सेंटर खोल के मुझे मैंने बच्चों को कोचिंग दी, मैंने इनकम करी, डन पार्ट। मैंने कोई छोटी सी एक शॉप खोली, वहां से सामान बेचा, वहां से मैंने इनकम करी, इनकम टैक्सेस प्रॉफिट है ना, इनकम करी है, लाओ इनकम टैक्स। मतलब इट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर जीएसटी या और कोई रजिस्ट्रेशन, कह रहा मुझे कुछ लेना देना नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग, इफ यू अर्न इनकम मुझे इनकम टैक्स दो। यानी कि बिजनेसमैन को भी यहाँ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कवर कर लिया, सैलरी भी कवर करी, रेंट की इनकम भी कवर करी, अगर कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड बेचा है उसमें जो प्रॉफिट करा वो भी कवर कर लिया, एंड इन एडिशन टू दैट जो बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस करा उसको भी कवर कर लिया एज अ पार्ट ऑफ एन इनकम टैक्स। ठीक है जी, इन सब पे इनकम टैक्स लगेगा। फिर अदर सोर्स में क्या जाएगा? कैन एनीवन गिव एन एग्जांपल? सर सैलरी भी ले ली आपने, रेंटल भी ले लिया आपने, सर प्रॉपर्टी सेल परचेज भी ले ली, बिजनेस एक्टिविटी भी सारी ले ली, अब अदर सोर्स में क्या जाएगा? कोई गिफ्ट में पैसा दे दिया तो? गिफ्ट में पैसा मिल गया मुझे, ठीक है, वन थिंग इज गिफ्ट, और एक आंसर नीचे है सर इनकम फ्रॉम लॉटरी, दैट इज अ फाइन, और एक एग्जांपल सबके पास है, बैंक में एफडी का इंटरेस्ट आया कहां जाएगा? बैंक में एफडी करा रखी है, इंटरेस्ट मिलेगा, कौन से हेड में कवर करोगे? क्या वो मेरी सैलरी है? नहीं है। क्या मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, रेंटल है? नहीं है। क्या मैंने कुछ सामान बेचा है उसमें? नहीं बेचा। क्या वो मेरा बिजनेस है? नहीं है। कहां जाएगा? अदर सोर्स, गेटिंग इट फाइन। मेरे को एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, अदर सोर्स। मुझे किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिला है जो कि मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड है, तो फ्रेंड मुझे पैसे क्यों देगा? इट मींस मेरी इनकम हो गई वो साल की। अगर मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है विच इज नॉट कवर्ड अंडर गिफ्ट और किसी ने मुझे दे दिया, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अदर सोर्स इनकम, गेटिंग इट फाइन। ठीक है, अदर सोर्स में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ही लाइन बोली, जो इन चारों हेड्स में कवर नहीं होते, जो इन चारों हेड्स में कवर नहीं होते उसके अलावा जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी अदर सोर्स में टैक्स होगी, इवन द इलीगल इनकम दैट यू अर्न, बहुत क्लियर शब्द यूज कर रहा हूँ, इलीगल इनकम वो भी अदर सोर्स में है, ओके हम टैक्स लेंगे तुमसे। इंडिया में बिटकॉइन लीगल नहीं है, आपने बिटकॉइन सेल परचेस करके प्रॉफिट कमाया, इट इज एन इलीगल एक्टिविटी, गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल है, वो एक्ट अपने आप डील करेगा, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया है, आपने इनकम करी है, इनकम टैक्स में टैक्स दे जाओ तुम उसका, गेटिंग इट फाइन, तो वो टैक्स लेगा लेगा आपसे उसका। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी से भी अर्न करा है तो वो टैक्स यहाँ पे लेगा आपसे, बिकॉज इज ओनली कंसर्न अबाउट इनकम, इनकम पे टैक्स दो, मुझे नहीं पता आपने कैसे कमाई है। वो बिटकॉइन की सेल पे भी लेगा आपसे टैक्स, ठीक है, अगर आपने लॉटरी से करा है, बहुत सारी स्टेट्स में लॉटरी अलाउड नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में लॉटरी अलाउड नहीं है, बट आपकी लॉटरी लग गई अगर, तो वो उस पर भी टैक्स लेगा। आप केबीसी में गए विच इज अ लीगल वन, आपने केबीसी में कुछ अर्न करा और वहां पे उनका 50 लाख का चेक जीत लिया आपने, तो वहां पे भी वो आपसे टैक्स लेगा और वो इनकम टैक्स जमा कराएगा, एंड ऑल दीज सच जिनका की और किसी चार हेड में नहीं आ सकते वो इस वाले हेड में टैक्स हो जाएंगे, गेटिंग इट फाइन। ये था अदर सोर्स, अब पूछो किसकी क्या क्वेरी है।
सर चैरिटी अगेन चैरिटी दी है या ली है चैरिटी रिसीव्ड और पेड है लीगल नहीं नहीं चैरिटी रिसीव्ड और पेड आपने दी या दोनों दोनों केस में देखो चैरिटी लीगल है मना नहीं है चैरिटी इज अ लीगल थिंग लेकिन चैरिटी क्या मेरी बिजनेस है क्या मेरी इनकम है नहीं है मैंने भी आपसे बोला था हम बात कर रहे हैं उन लीगल एंटिटीज की जहां पे बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ठीक है चैरिटी में सिर्फ गवर्नमेंट ने एक रूल बोला है अगर आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखी है या चैरिटेबल सोसाइटी खोल रखी है और अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है उसके अंदर से ठीक है आपको उस पैसे का 85% तो मिनिमम चैरिटी में लगाना ही लगाना है ठीक है और जो बाकी जितना बचेगा वो अदर सोर्स में इनकम मान के हम टैक्स भी लेंगे आपसे तो अगर आपने वो पैसा चैरिटी में नहीं खर्चा सपोज मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोली और मैंने लोगों से पैसे ले लिए बहुत सारे सपोज 10,000-20,000 या कुछ सपोज 2-2 लाख रुपए लेके मैंने 10 लाख रुपए ले लिए अब वो 10 लाख रुपीज मुझे लोगों को खाना खिलाना था फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने चैरिटी के लिए सोचा था या बुक्स बांटनी थी मैंने अगर नहीं बांटी गवर्नमेंट क्लियरली सेज आपने चैरिटेबल ट्रस्ट खोली थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी जो आपने अभी नहीं करा इट मींस इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज करके उसके ऊपर जो इनकम टैक्स बनता है आप वो गवर्नमेंट को पे करो गेटिंग इट फाइन तो इट इज अ लीगल लेकिन अगर वो भी खर्चा नहीं करा प्रॉपरली तो इनकम टैक्स लेंगे बिकॉज अब वो आपकी इनकम मानी जाएगी ठीक है अब जब देने वाली बात है तो लोगों को चैरिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स दिए छोटे मोटे कि जो भी आदमी अगर चैरिटी करना चाहता है टुवर्ड्स द मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशन कोई आस पड़ोस की छोटी वाली नहीं मंदिर में या उसमें नहीं छोटे में नहीं जैसे कोई फ्लड रिलीफ में हो गया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया अगर आप उसके अंदर चैरिटी करते हो तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट्स भी देंगे उसके ठीक है बिकॉज आप एक सोसाइटी को सपोर्ट देने के लिए अपना पैसा लगा रहे हो तो जितना पैसा आप लगाओगे उसके ऊपर हम आपको टैक्स की छूट देंगे उन्होंने कुछ लिमिट बना के वो दी है वो मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा बट यस यू हैव एन ऑप्शन कि जब आप चैरिटी करते हो और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्रूवल होता है कि वो आपको एक लेटर इशू करेगी कि आप जो चैरिटी कर रहे हो वो गवर्नमेंट के खाते में ही जाएगी और एक बहुत बड़े स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे इस्तेमाल होगी लोगों के बेनिफिट के लिए ठीक है चाहे वो फ्लड रिलीफ में जाए चाहे वो नेशनल में जाए तो वो आपको बेनिफिट देगी आपका टैक्स बचाने में सिर्फ ठीक है तो चैरिटी इज अ लीगल वन अगर खर्चा नहीं करा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इनकम बन जाएगी और अगर आप लोग पे कर रहे हो अपनी सैलरी से या बिजनेस से तो आपको उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ठीक है देन नेक्स्ट क्वेरी है किसी की क्वेरी और मंदिर में हम लोग पैसा डालते हैं ना बिल्कुल अगेन आई एम सेइंग जब आप मंदिर में पैसा देते हो तो आप सिर्फ उसके वो ड्रॉप बॉक्स में पैसे डालते हो उसके ठीक है ना तो आप तो कभी चैरिटी नहीं मांग रहे उसके अंदर ठीक है ना आपको कोई टैक्स का बेनिफिट मिलता है अब मंदिर में क्या है मंदिर दे है ओपन अप देयर ट्रस्ट उस मंदिर में क्या होता है वो जो ट्रस्ट होती है वो उस टोटल पैसे को करती है कि हाँ जी सपोज दे रिसीव 10 लाख रुपीज फॉर एन ईयर हर महीने 1 लाख रुपए आए 12 लाख रुपए टोटल उसमें वो चंदा इकट्ठा हो गया जो चैरिटी इकट्ठी हुई उसमें से उनके जो प्रीस्ट के खर्चे थे वो सब पे करे उन्होंने वहां का इलेक्ट्रिसिटी और वो सब पे करा जो रिमेनिंग पैसा है दिस इज मंदिर को कहीं ना कहीं बेनिफिट में लगाना था अब या तो वो मंदिर एक्सपेंड करने में लगाते हैं ठीक है या वो किसी और दूसरे मंदिर को दान दे देते हैं अदरवाइज वो लोगों को खाना खिलाते हैं बहुत सारे टेम्पल्स में आपने देखा होगा लोगों को खाना खिलाते हैं तो गवर्नमेंट से ये सारे खर्चे अलाउड है जैसे आप ये खर्चे करने का जो पैसा बचा अगर वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो उस पर इनकम टैक्स लगता है एंड इवन अ चैरिटेबल ट्रस्ट पे इनकम टैक्स डन पार्ट वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी इनकम टैक्स पे करती है और गवर्नमेंट उससे भी टैक्स कलेक्ट करती है ठीक है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द गिफ्ट है ना वो लोग के ऊपर टैक्स नहीं लगता है वो सही नहीं है Can you write it? Because I think your network is not good enough. जो आप बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा.
नैशा क्या नैशा आई थिंक लीव यू आर सेइंग समथिंग बट आई थिंक आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा पूछेंगे क्वेरी या किसी और को सुनाई दियो क्वेरी क्या? अच्छा ही सेइंग गिफ्ट यस और रेमिटेंस। देखो गिफ्ट, गिफ्ट की अगर मैं बात करूं ठीक है, एक क्वेरी आई सर जो गिफ्ट पे मिलता है क्या गिफ्ट टैक्स होता है? अगेन आप लोगों की क्वेरी को ठीक कर देता हूं, लोगों में ये एक सोचना है कि सर गिफ्ट टैक्स होता है ठीक है, गिफ्ट टैक्स इंडिया में था पहले लेकिन अब गिफ्ट टैक्स हट चुका है, तो अब गिफ्ट टैक्स नाम से कोई वर्ड ही नहीं है, बट वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं सर गिफ्ट टैक्स है गिफ्ट टैक्स है गिफ्ट टैक्स है, बट इन एक्चुअली में देयर इज नो गिफ्ट टैक्स ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कीजिए आप। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ने ये बोला कि गिफ्ट अगर कोई रिलेटिव किसी रिलेटिव को दे रहा है ठीक है, उस केस में टैक्स नहीं लगेगा आपको, इट इज अ ठीक है। स्क्रीन शेयर होगी मेरी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप कुछ क्वेरीज आ रही हैं, जिसकी क्वेरीज है एक बार थोड़ा बता दीजिए मुझे, कोई बात नहीं हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक गिफ्ट के ऊपर हमारी क्वेरी थी, पहले मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। गिफ्ट के अंदर अगर आपको अपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है विच इज अ फर्स्ट ब्लड, यानी आपके फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ठीक है, आपको अपने स्पाउस से या उनके फादर मदर से ब्रदर सिस्टर से जो रियल ब्रदर सिस्टर है नॉट द कजन वन रियल ब्रदर सिस्टर, अगर आपको उनसे कोई भी पैसा मिलता है विच इज लाइक 1 lakh rupees टू 10 lakh rupees टू 1 crore rupees, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक रुपए का भी उसके ऊपर टैक्स नहीं है बिकॉज आप अपने रिलेटिव को पेमेंट कर सकते हो। लेकिन लोगों ने इसी गिफ्ट को मिसयूज करा, दो दोस्त थे कोई दोस्ती भी नहीं थी बट एक ने दूसरे को कुछ पैसे दे दिए, उसने उससे 10 lakh rupees लेकर रख लिया और अपना नंबर एक इस्तेमाल करा, लोगों ने नंबर दो के पैसे को नंबर एक कन्वर्ट करना शुरू करा कि मैं जानता भी नहीं था बट तब सबसे 2-2 lakh rupees गिफ्ट लेके दिखाना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन करी। अगर वो आपका ब्लड रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव जो मैंने आपको बता दिया दादा दादी नाना नानी ठीक है ना, आपके फादर मदर ब्रदर रियल सिस्टर ठीक है, अगर ये हैं तो फ्री है, अगर इसके अलावा कोई और भी व्यक्ति अगर आपको और कोई पर्सन गिफ्ट करेगा तो मैं उसको अदर सोर्स की इनकम मान के उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स करूंगी। आगे बस क्लियर समझ में, तो गिफ्ट टैक्स नाम से कोई चीज नहीं है बट यस अगर आपको कोई अननोन पर्सन पैसे देता है एज अ गिफ्ट कह के या कोई सामान देता है उस पर टैक्स होगा। अब उसमें सिर्फ एक पॉइंट और आके रुका था, अब सपोज मेरा बर्थडे है और मेरा फ्रेंड आया मुझे 11,000 rupees का या मेरे रिलेटिव आए कोई मामा जी आ गए दूर के और उन्होंने मुझे 10,000 rupees का गिफ्ट दे दिया, क्या वो भी टैक्स होगा? फिर तो कभी कोई किसी को गिफ्ट देगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक रूल बोला, अगर आपको विद इन कंप्लीट ईयर 50,000 rupees तक का गिफ्ट मिलता है फ्रॉम योर रिलेटिव विच इज अननोन, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो चाहे अननोन पर्सन हो, अगर 50,000 rupees तक की वैल्यू का गिफ्ट मिलता है तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर 50,000 से ज्यादा लोगे तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। गेटिंग इट फाइन? तो मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे सकता हूँ उसके बर्थडे पे, मना नहीं है ठीक है, तो वो अब मना नहीं है मेरे लिए ठीक है बेटा ठीक है जी, गुड विद एवरीवन। तो 50,000 तक पे अगर गिफ्ट है तो टैक्स नहीं लगेगा और अगर इससे ज्यादा है तो टैक्स लगेगा और उस पर्सन को लगेगा जिसको गिफ्ट मिलेगा ठीक है, जिसके पास पैसा आएगा टैक्स वो भरेगा ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेरी, हाँ देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही भरने हैं। अभी मैं इनकी क्लेरिफिकेशन दूंगा कि किसमें कितना टैक्स भरना है या बिल्कुल नहीं भरना, तो मैं दोनों बताऊंगा, बट यस एज अ बिजनेस आपके ऊपर दोनों एप्लीकेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स भरना है, आई एम सेइंग दोनों एप्लीकेबल है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है और इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल है ठीक है पार्टी वाला। अब देखो एक क्वेरी आई है इसमें यहाँ पे कि फॉरेन रेमिटेंस आई है इंडिया के बाहर से टुवर्ड्स बिजनेस और टुवर्ड्स फैमिली मेंटेनेंस ठीक है। अगेन मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल फिक्स हूं, इंडिया के बाहर से जो फॉरेनर है अगर आपका ब्रदर है आपकी सिस्टर है आपका बेटा है आपके फादर मदर में से कोई है, अगर वो आपको इंडिया के बाहर से पेमेंट दे रहा है फॉर फैमिली मेंटेनेंस, आपको कितना भी पैसा आ जाए बिकॉज ही इज अ फर्स्ट रिलेटिव ऑफ योर्स और आप शो कर सकते हो कि ये मेरा रिलेटिव है विच इज अ क्लोज ब्लड, दादा दादी जो मैंने बोला ग्रैंड पेरेंट्स हो गए फादर मदर हो गए सन हो गया उनसे पैसा आ रहा है, द टैक्स इज जीरो। आप क्लियर बोलोगे इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई रिलेटिव
जो मेरे रिलेटिव ने दिया है, लेकिन अगर वो मेंटेनेंस का पैसा कोई अननोन पर्सन दे रहा है जो आपका रिलेटिव नहीं है, इवन यू सेड कि नहीं सर मेरा रिलेटिव है, मेरा कजन है, अगेन कजन इज नॉट अ फर्स्ट ब्लड, वो आपका रियल भाई नहीं है, कजन है, इन दैट केस दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम अंडर अदर सोर्सेज और पूरे के पूरे पे टैक्स लगेगा. ठीक है, गेटिंग इट फाइन? और कोई क्वेरी किसी की? और किसी की क्वेरी है सर? ये तो हम आगे मुक रहे हैं. जो मैंने मेरे भाई ने मेरे को पैसा भेज दिया, भेज दिया, मैं कैसे प्रूफ करना है जो ये मेरा क्या बोलते हैं रेप बोल रहे थे, कुछ तो चाहिए ना. देखो कुछ चाहिए ना. देखो इनकम टैक्स में आपको ऐसा कोई प्रूफ नहीं करना होता, आप पहले अपनी एक रिटर्न भरते हो जो इनकम टैक्स को बताते हो कि ये मेरे ब्रदर से पैसा आया है एंड इट इज अ गिफ्ट. इनकम टैक्स बोलता है आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है और टैक्स की फाइलिंग करनी है. ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि ये पैसा आपके ब्रदर से नहीं आया और ये किसी और थर्ड पर्सन से आया, तो दे विल रेज अ क्वेरी और आपको एक लेटर भेजेंगे विच इज नोन एज नोटिस. एक नोटिस भेजेंगे आपको कि ये पैसा जो आया है वी बिलीव कि आपके ब्रदर से नहीं आया और आपको इस पर टैक्स लगना चाहिए, आप क्लैरिफाई करो ये आपका ब्रदर है. उसमें अब आपके पास रिप्लाई में क्या होगा, फादर नेम होगा अपना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा अपना होगा, आप रिप्लाई करोगे ये मेरा रियल ब्रदर है जो इंडिया के बाहर एक्चुअल में इनकम करता है और ये पैसा मुझे इसने भेजा. जैसे आप रिप्लाई करोगे दे विल क्लोज अप दिस क्वेरी एंड द मैटर इज क्लोज्ड. पर अगर आप नहीं दे पाए, वो भाई नहीं निकला, तो फिर वो टैक्स पे आपको बोलेंगे आपने टैक्स की चोरी करी है, देन दे पुट अप अ समवन ऑन यू और आपसे जो टैक्स बनता है विद पेनल्टी वो चार्ज करेंगे. गेटिंग इट? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो इन टॉपिक्स. सर वन क्वेश्चन प्लीज. सर ऑफकोर्स ऑफकोर्स सर, वो जो एक रेमिटेंस जो विदेश से आया है और वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आया है, तो अगर जो वो पैसे हमने वो बैंक में जमा नहीं किया तो फिर भी कैसे पता चलेगा फिर? देखो हम दो चीजें हैं टॉपचे जो आप बात कर रहे हो ना, इसके अंदर आप ना मुझसे एक बात कर रहे हो, वन इज नोन एज लीगल टर्म्स एंड अदर इज नोन एज प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. अब सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जो भी खर्चा करा है वो बिजनेस के अंदर खर्चा अलाउड होता है? ठीक है, ओके सर. आपने मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, प्रैक्टिकल चीज की बात करूँ, आपने एक शॉप खोली अपनी और आपने शॉप पे कपड़ा लिया 100 रुपए का और वो 200 रुपए में बेच दिया, आपका 100 रुपए का प्रॉफिट है. बट क्या आपका वो 100 रुपए के प्रॉफिट में कई बार ऐसा नहीं होता वो रिक्शा वाला आता है 20 रुपए ले जाता है आपसे सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए? कहाँ शो करते हो उसको? नहीं शो कर पाते, नहीं शो कर. ठीक है, फंस गया. यानी अगर मैं लॉ के हिसाब से बोलूं तो आपको लिखना था 100 रुपीज का 200 - 20 रुपीज 80 रुपीज का प्रॉफिट है. वो 20 रुपीज का अगर मैं प्रूफ मांगू, आपके पास कोई प्रूफ है उसका? रिक्शा वाला कोई रसीद तो काट के नहीं देगा आपको 20 रुपए रिक्शा के लिए मैंने. ठीक है, लॉ कहता है रिक्शा वाले से रसीद लो, यू हैव टू गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम दैट रिक्शा वाला के वो 20 रुपए ले रहा है मुझसे. Okay, रिक्शा वाला असलियत में कभी कोई रसीद नहीं देगा आपको, he will never give receipt. रिक्शा वाला कहेगा सर कैसी बातें कर रहे हो, 20 रुपए की रसीद दूंगा मैं आपको. Getting it, वो नहीं देगा. तो when you talking about the law terms, law says अगर ऐसा कोई पैसा आता है आपको रिपोर्ट करना जरूरी है और उसकी रिपोर्टिंग करके गवर्नमेंट को शो करना जरूरी है. ठीक है, बट what happens is बहुत सारे लोग ये वेस्टर्न यूनियन को इस्तेमाल करते हैं एंड दिस वेस्टर्न यूनियन के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो आपका पैन कार्ड या कुछ नहीं मांगती. अब तो उन्होंने फिर भी केवाईसी देने स्टार्ट कर दिए हैं, पहले तो कई बार बिना केवाईसी के भी पेमेंट हो जाती थी. गेटिंग इट? अब इन्होंने केवाईसी शुरू कर दिया है एंड यू विल फाइंड विद इन नेक्स्ट 2-3 odd years वेस्टर्न यूनियन से जितना पैसा आपको मिलेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की साइड पर रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये अब धीरे धीरे वेस्टर्न यूनियन को टाइट कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूनियन वाला इंडिया में किसी को भी कोई भी अगर पेमेंट कर रहा है तो उसके पैन नंबर से वो अपडेट करेगा इनकम टैक्स की साइट पे कि ये आदमी मुझसे इतने रुपए ले गया है. ठीक है, तो अभी तक ये इट इज अगेन वही लूपहोल वाला काम है जो हमारे इस ग्रुप में और भी एक दो लोग कर रहे हैं कि लूपहोल मिल जाता है हम उसका यूटिलाइज करते हैं. तो इट इज अनदर लूपहोल के वेस्टर्न यूनियन की रिपोर्टिंग अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रही, जैसे बिटकॉइन वाली रिपोर्टिंग अभी नहीं आ रही, बट दे आर ट्रैकिंग इट आउट कि किस तरीके से हम उसको ट्रैक कर पाए ऐसी किसी इनकम को.
सिमिलरली वेस्टर्न यूनियन यू विल फाइंड विद इन नेक्स्ट 2-3 ऑड इयर्स जितना पैसा वेस्टर्न यूनियन से आप रिसीव करोगे ना तो जो आदमी वहां पे रिसीव करेगा उसका पैन नंबर लेंगे और उस पैन नंबर से आप देखेंगे इनकम टैक्स पास रिपोर्टिंग पहुंच जाएगी कि इस पैन नंबर पे वेस्टर्न यूनियन से इस पर्सन ने इतने पैसे रिसीव करे मैं ज्यादा डिटेल की हेड पे नहीं गया मैंने प्रेजेंटेशन को लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा मॉडिफाई करा है एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप फेस करेंगे अब जैसे ही मैंने इनकम की बात करी मेरे पास इनकम आ गई गवर्नमेंट सेज मैं आपका टैक्स नहीं निकालूंगी आप अपना टैक्स खुद निकालो मैंने रूल्स रेगुलेशंस दे दिए जो कि शायद नाना करते हुए 2-3 हज़ार पेज के हैं आप पढ़ो और अपना टैक्स खुद निकालो तो जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो लेकिन हम बेसिक चीजें याद करते हैं कि हमें क्या क्या करना है और गवर्नमेंट ने ये बोला एवरी ईयर यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न अभी ना बहुतों के माइंड पे ये चल रहा होगा हम तो आईटीआर भरते ही नहीं मान लिया अभी मत सुनो अभी मैं सिर्फ आपको लॉ बता रहा हूँ फिर लॉ में एक आधा पॉइंट ऐसा है जिसका हम यूज करते हैं और हम रिटर्न फाइल नहीं करते ठीक है बट मैं पहले लॉ बता रहा हूँ आपको कि देखो रिटर्न बनती है तो गवर्नमेंट ने ये बोला Every person every year need to file his returns which is related to income tax और उसको बोला गया income tax return तो अगर मैं income tax return की बात करूं ये क्या होती है it is a sheet जहां पे आप अपनी income calculate करते हैं total कि मैंने कितना profit कमाया मैंने कितनी salary कमाई मैंने कितना interest कमाया और government को मैं भर के देता हूं कि सर मैंने देखो इतने पैसे इस साल में कमाए सिंपल टर्म इतने पैसे चाहे वो मैंने एफडी से कमाए चाहे मैंने ऑफिस रेंट दे के कमाए चाहे मैंने घर रेंट पे दे के कमाए चाहे मैंने बिजनेस करके कमाए चाहे मैंने लॉटरी से कमाए मैंने जितने पैसे कमाए वो मुझे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है ठीक है तो आईटीआर सबने सुनी है सर आईटीआर फाइल कराओ आईटीआर फाइल दैट इज नोन एज इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें कि मैं अपनी सारी कमाई की बातें करता हूँ ठीक है पार्टी वाला गवर्नमेंट ने इसमें ना कुछ लोगों को ना फायदा देना शुरू कर तो वही लाइन मैंने नीचे लिखी है कि ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज द इनकम विदाउट कंसीडरिंग एनी एक्सेप्शंस एंड डिडक्शंस जब मैं बात करता हूं ग्रॉस टोटल टोटल पैसा मैंने कितना कमाया आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट प्रॉफिट इसमें वो सारा का सारा पैसा जुड़ जाता है यानी मैंने सैलरी से अगर 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख वो जुड़ गए मैंने एफडी करा रखी थी 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आया वो भी इसके अंदर जुड़ गया मैंने एक मकान रेंट पे दे रखा था 2 लाख रुपए उससे मैंने वो भी जोड़ दिया 7 लाख रुपीज इज अ माय ग्रॉस टोटल इनकम ठीक है डने पार्टी वाला जो मैंने अब तक बोला जब मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करने जाता हूँ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली और गवर्नमेंट ने ये बोला अगर आप इनको यूटिलाइज करोगे तो आपको इस वाले पैसे पे टैक्स नहीं देना मैंने कहा ऐसी कौन सी स्कीम है भाई गवर्नमेंट ने कहा देखो बहुत इजी वे में समझाने के लिए बता रहा हूँ लॉ चाहे अलग तरीके से बनाऊं बट यू अंडरस्टैंड इट वेल आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट ने कहा अगर आप किसी पेंशन प्लान में पैसा डाल दो विच इज लाइक फॉर योर फ्यूचर जब आप 60 की एज कवर करोगे या 65 कवर करोगे कोई पेंशन प्लान ले लो और उसके अंदर थोड़ा सा पैसा डाल लो तो मैं आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगी अब ये पेंशन किसके लिए बन रही है हमारे लिए ठीक है ना हर आदमी अपने लिए पेंशन कर रहा है और गवर्नमेंट ये कहती है मैं उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगी गवर्नमेंट को क्या फायदा है इससे गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा था बट गवर्नमेंट ने कहा आप अपना ही कोई पेंशन का प्लान ले लो और मैं आपको उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगी गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ इससे एनी वन ऑफ यू कोई माइंड पे आ रहा कुछ एक लाइन और बोल देता हूं चलो इवन एक्सेप्ट दिस पेंशन प्लान गवर्नमेंट ने कहा इंश्योरेंस ले लो अपना जितना पैसा आप इंश्योरेंस में दोगे मैं उस पैसे पर टैक्स नहीं लगाऊंगी इतना तो सबने सुना है इंश्योरेंस वाले तो सबके पास आते हैं अरे इंश्योरेंस ले ले तेरा टैक्स बन रहा होगा तो टैक्स नहीं लगेगा तेरे को ये सबने सुनी है लाइनें गवर्नमेंट को क्या फायदा है इससे गवर्नमेंट का तो बिल्कुल टैक्स कम हो गया गवर्नमेंट को कोई फायदा इस चीज से बताओ कैश या सर कैश उन लोगों के पास रह रहे ना मतलब
नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं रहता कैश, वो पैसा तो उस इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। चलो मैं बता देता हूँ, कंपनी की अगर हम बात करें, वो पैसा उस कंपनी के पास जा रहा है वो एक अलग काम है। गवर्नमेंट के लिए फायदा ये हो जाता है, जैसे ही हम ओल्ड एज होंगे अराउंड आज से अगर हम 20 साल की बात करें, क्या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को पेंशन नहीं देती? देती है ना पेंशन, क्यों देती है? बिकॉज ओल्ड एज में वो काम नहीं कर सकते, लेकिन खाना खाने के लिए पैसा तो चाहिए, रहने के लिए जीने के लिए पैसा तो चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये बेनिफिट नहीं देगी और कोई पर्सन अपने लिए पेंशन प्लान या वो मैनेज नहीं करेगा और फ्यूचर में अगर उस पर पैसा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को ही बोलेगा, गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसाइज करेगा कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती हमारे लिए, ये गवर्नमेंट हमें कहीं मदद नहीं करती, ये गवर्नमेंट को मुझे पैसे देने चाहिए रहने के लिए, मैंने जिंदगी भर कमाई करके गवर्नमेंट को टैक्स भरा है और आज जब मुझे जरूरत है तो गवर्नमेंट तो मेरे लिए खड़ी नहीं, गवर्नमेंट तो मुझे एक रुपया नहीं दे रही, मैं कहाँ जाऊँ, मैं खाना कहाँ से खाऊं? गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो मेरे ही सर पे बर्डन आ गया, तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली प्ले करा एंड दे सेज आप अपना पैसा खुद ही इन्वेस्ट करो और अपने पैसे से अपनी ओल्ड एज निकालो ताकि मेरे पे बर्डन ना आए। अब गवर्नमेंट ने खुद ही बोला आप अपना इंश्योरेंस करा लो, कल को आपको कुछ हो गया आपकी फैमिली को मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फैमिली के पास पहले ही पैसे होंगे। अब कोरोना में सपोज अ पर्सन डाइड इन कोरोना एंड उसको गवर्नमेंट ने बोला हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन पता चला उसका 2 करोड़ का इंश्योरेंस था, उसकी घर वालों को 2 करोड़ रुपए मिल गए, डन। गवर्नमेंट कहती है पैसे तुम्हारे पास आ गए, तुम जिंदगी जी सकते हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली प्ले करा और अपने ऊपर से बर्डन हटाया और इसी बहाने लोगों को भी एक इनिशिएटिव दिया, एक समझो मोटिवेट करा टू इन्वेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, कि आप अपनी ओल्ड एज के लिए इन्वेस्ट करो, सारा पैसा आज मत खर्च करो, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। तो व्हाट दे डिड इज दे ओपन अप एन ऑप्शन ऑफ सेइंग कि मैं कुछ ऐसी स्कीम्स बता रही हूँ आपको जिसमें आपका पैसा खुद ही इन्वेस्ट करोगे और उसके लिए मैं आपको डिडक्शंस दूंगा, गेटिंग इट फाइन, और उस पैसे के ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं उसके एग्जांपल्स में आपको सामने रखूंगा और आप खुद बोलोगे वही चीजें हैं जहां पे फ्यूचर में गवर्नमेंट पे बर्डन आना था और उसने वो बर्डन को बचाने की कोशिश करी। पहला इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योर्ड हो और आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा आपको, पहला पॉइंट गवर्नमेंट ने कवर किया। द नेक्स्ट काइंड इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीएफ, गवर्नमेंट ने कहा अपने बुढ़ापे के लिए खुद ही पैसे जोड़ लो ताकि बुढ़ापे में आके आप हमें परेशान ना करो, हम उस पर भी आपको बेनिफिट दे देंगे। द थर्ड पॉइंट इज अ मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो और बीमार पड़ जाते हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट में भी आपका बेनिफिट होगा। तो इट मींस अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो विच इज रिलेटेड टू मेडिकल, हम उसमें भी आपको टैक्स का बेनिफिट देंगे। अगर आपको सोसाइटी की मदद करने के लिए चैरिटी करनी है, हम उसके अंदर भी आपका सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप चैरिटी के लिए पैसा देना चाहते हो, गेटिंग इट फाइन। तो ये सारी चीजें, पेंशन प्लान, इंश्योरेंस प्लान, पीपीएफ प्लान, चैरिटी अगर आपको करनी है, गवर्नमेंट ने कहा मैं इन सब में आपको डिडक्शंस दूंगी एंड इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, डन ये पार्ट। और उसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी, देयर इज अ लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपीज, जो हम सुनते हैं एटीसी के अंदर, अगर आप 1.5 लाख रुपए तक साल का इतना देते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर इससे ज्यादा करते हो तो आपकी मर्जी है, फिर हम टैक्स लेंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 10 लाख कमाए, 10 लाख में से 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, चलो ओल्ड एज में काम आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, मैक्सिमम लिमिट इज 1.5 लाख रुपीज, तो वो लिमिट उन्होंने 1.5 लाख की दी, अगर 1.5 लाख रुपए तक आप इन चीजों में डालते हो तो मैं आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगा, गेटिंग इट फाइन। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न की, इट इज अ रिटर्न जहां मैं अपनी सारी इनकम बताता हूँ, साथ में डिडक्शन बताता हूँ और रिटर्न अपनी फाइल करता हूँ, ठीक है? कोई क्वेरी इसके ऊपर किसी की? नहीं है, ठीक है जी। चलो आई बिलीव ये वाला हमारा डन है कि गवर्नमेंट ने जब मुझसे बात करी मेरे इनकम टैक्स के पार्ट पे, ठीक है, रिटर्न के ऊपर। अब सबने एक टर्म और सुनी होगी विच इज नोन एज टीडीएस, किस किसने सुनी है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप या कुछ भी, टीडीएस सुना है सबने? वन इज एक ने सुना है, अनदर वन इज सेइंग सर मैंने भी सुना है, तीन लोगों ने सुना है, काशी कहती है मैंने भी सुना है सर। चलो इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं ये वर्ड तो सुना हुआ है, बट जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक कंफ्यूज इन बिटवीन, ये होता क्या है, क्या ये कोई नया टैक्स है? सर अभी तो आप बात करते हैं सर इनकम टैक्स की, अब आप करो टीडीएस, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट आया क्यों और आपको कहाँ पे इसको बेनिफिट है, ताकि आपको ये समझ में आएगा। हुआ क्या, सपोज एक आदमी था, उसको मैं सैलरी पे कर रहा था हर महीने, ठीक है, आई पे अ सैलरी ऑफ सपोज 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। मैंने उसको अप्रैल में आया सैलरी दी 1 लाख रुपए की, वो अपने घर ले गया और सैलरी से उसने क्या करा, खर्चे वर्चे कर दिए सारे, ठीक है, घर में छोटी सी पार्टी भी कर ली, अपने ड्रिंक्स पार्टी भी चल रही है, पूरा महीना मस्ती से बिताया उसने। मैंने अगले महीने फिर अपनी सैलरी भी लेता था, हर महीने मुझसे सैलरी लेता चला गया, टिल द मंथ ऑफ मार्च वो मुझसे 12 लाख रुपीज ले चुका, डन, मैंने सैलरी पे कर दी 12 लाख रुपीज की, दैट इज अ फाइन थिंग। अभी क्वेरी ले लेंगे जिसकी बची हुई है। तो हमने 12 लाख रुपीज की सैलरी पे कर दी, अब जब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा भाई 12 लाख रुपीज पे टैक्स तो जमा कराओ, यू हैव अर्न एन इनकम, और एज पर द इनकम पार्ट उस एम्प्लॉय को बोला कि भाई आप एम्प्लॉय हो, लाओ जी टैक्स जमा कराओ। अब एम्प्लॉय जब बैठा था अपने घर पे, उसने बैंक अकाउंट देखा, बैंक में पैसे ही नहीं, क्यों, उसको तो आदत थी 1 लाख रुपीज आए, इतने की ईएमआई बांध रखी है, खर्चे बांध रखे हैं, अपना नॉर्मली रोज शाम को बाहर खाने पीने जाता है, शाम तक जब उसने देखा ईयर एंड हुआ, उसके पास 1 रुपया नहीं बचा। अब वो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करेगा, क्या कोई ऑप्शन है टैक्स पे करने की गवर्नमेंट को, नहीं बची, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बचा। तो क्या गवर्नमेंट अपना नुकसान करके बैठी रहेगी, गवर्नमेंट कहेगी यार ये तो गलती हो गई, अगर मैं इस पर्सन के हाथ में 1 लाख की जगह देती ही 80,000 रुपीज तो ठीक रहता, मुझे इसको एज अ पर्सन 1 लाख रुपीज देने नहीं चाहिए थे, अगर इसको 1 लाख रुपए पूरे दे दिए तो ये खर्च देगा तो मेरा टैक्स नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं हम इसको देंगे ही 80,000 रुपीज और 20,000 रुपीज हम पहले ले लेंगे हर महीने, मतलब वो इसके अकाउंट में जाने भी नहीं देंगे, हम पहले रख लेंगे 20,000 रुपीज लेके इससे। बात क्लियर हुई, गवर्नमेंट को तो अपना शेयर चाहिए था टैक्स का, उसने कहा भाई बाद में तो देगा नहीं है क्योंकि ये पैसे बचते नहीं है, खर्च देता है ये। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस एम्प्लॉयर को जो वो मालिक था ना जिसके यहाँ पे जॉब करता था, उसको प्रेशर करा, भाई अब ये आपकी ड्यूटी है, अगर इस पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपए है, आप इसको 80,000 इसके अकाउंट में दोगे और 20,000 गवर्नमेंट को जमा कराओगे, गेटिंग इट, एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। उसे बोला गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स मैं था पेमेंट देने वाला, मुझे ही बोल दिया एज अ एम्प्लॉयर आपकी ड्यूटी है, आप ये 20,000 काटो और गवर्नमेंट को जमा कराओ। अब वो एम्प्लॉय कहता सर मेरे तो 1 लाख रुपए की इनकम थी, आपने मेरे 20,000 काट लिए, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपने लेवल पे बैठा है। मैंने कहा भाई आप ही का टैक्स है, गवर्नमेंट ने बोला जमा कराने के लिए, मुझे मैंने करा दिया, अगर आपका टैक्स नहीं बनता, जब 31 मार्च आपका क्लोज होगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर लेना, और जितना टैक्स आपका नहीं बनता वो गवर्नमेंट से वापस मांग लेना। गवर्नमेंट कहती है विद इन अ मंथ और टू मैं आपका टैक्स वापस कर दूंगी अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो। लेकिन मुझे इतना पता था गवर्नमेंट को कि अगर ये टैक्स इसने अभी नहीं दिया या मैंने एम्प्लॉयर से नहीं लिया तो फ्यूचर में नहीं आएगा मेरा, गेटिंग इट फाइन। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को सेफगार्ड करा बड़े प्यार से, और उस एम्प्लॉयर को जो वो पैसे दे रहा था उसी को बोल दिया अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, और साथ में एक लाइन और जोड़ दी, अगर तुमने ये 20,000 रुपए गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं कराए। उसने कहा अच्छा हाँ, अगर मैंने नहीं कराया करीब मैं तुमसे ले लूंगी बाद में। अब वो एम्प्लॉयर फंस गया, वो कह रहा है यार हद हो गई, मैं इसको सैलरी अगर 1 लाख रुपए की दे दूं तो गवर्नमेंट मुझसे 20,000 रुपए फिर मांग लेगी, तो इससे अच्छा मैं सैलरी ही कम दूंगा, और नाउ वो ड्यूटी बन गई एम्प्लॉयर की। तो इसलिए जब आपको सैलरीज मिलती है, लोग कहते हैं टीडीएस कटा है और आपको टीडीएस मिल जाता है, ठीक है, टीडीएस कट के एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि ये आपका टैक्स हमने काट लिया है, ये गवर्नमेंट को जमा कराया, बची हुई सैलरी आपके अकाउंट में दे दी। पॉइंट क्लियर हुआ टीडीएस पे, ठीक है। सिमिलरली जो इनकम थी, जब मैंने आपसे सारे हेड्स की बात करी, क्या सिर्फ सैलरी पे थी, बाकी पे भी तो थी। अब लॉटरी में मैंने पैसे जीत लिए, ठीक है, कभी किसी की लॉटरी लगी हो ना या किसी फ्रेंड की लॉटरी लगी हो उसे पूछना, जब वो लॉटरी में पैसे जीतता है ना तो पहले वो टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट को 30% का, उसके बाद लॉटरी का पैसा मिलता है। तो अगर कोई केबीसी में बैठा है और वो से कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए जीते, एक्चुअल में उसको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते, उसको सिर्फ 70 लाख रुपए मिलते हैं, वो जो चेक दिखाया जाता है ना अमिताभ बच्चन बाद में वापस ले लेता है, ठीक है ना, वो कहता है इसमें से पहले 30% टीडीएस कटेगा, बचा हुआ पैसा तुम्हें मिलेगा, गेटिंग इट फाइन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन साल के एंड में उसको पैसे नहीं बचते तो वो टैक्स कैसे भरेगा, दे सेज हर महीने इसका टैक्स काटो या पेमेंट करने से पहले काटो, वो उस ओनर पे डाल दिया या जो बंदा पेमेंट कर रहा है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, और उसको बोला वो काट के गवर्नमेंट को जमा कराओ, उसे बोला गया टीडीएस।
सो इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें सिर्फ ये है कि आपका टैक्स आप ना भर के आपके एम्प्लॉय हर महीने भरे जा रहा है, ताकि साल के एंड में जब आप रिटर्न बनाओ तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास एक टैक्स जमा हो चुका. पॉइंट क्लियर हुआ है वाला? कोई क्वेरी इस चीज पे? तो अगर मैं इस पे आया, टीडीएस क्या है? टीडीएस की अगर मैं बात करूं तो टीडीएस जो होता है वो टाइम पे कट जाता है, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करो उस टाइम पे आप ये बोलोगे इतना टैक्स मेरा कटा हुआ है. सपोज अब वो साल का एंड कंप्लीट हुआ, द एम्प्लॉई से सर 12 लाख की सैलरी थी, 12 लाख पे मेरा 2 लाख का टैक्स बनता है, आपके पास मेरे 2.5 लाख रुपए जमा है, बिकॉज 20,000 से 2,40,000 रुपए आपके पास जमा है, ठीक है? तो मेरा 2 लाख का टैक्स बनता है, माइनस करो 40,000 मेरे वापस करो, ठीक है? बात होगी क्लियर है वाली? और अगर बाई चांस वो टैक्स बनता है 2.5 लाख रुपए, तो वो ये बोलेगी गवर्नमेंट अब तुम्हारा 2.5 लाख का टैक्स था, तुम्हारा 2,40,000 मेरे पास पहले से आया हुआ है, 10,000 रुपए और दे दो. और फॉरन एम्प्लॉय को 10,000 देना आसान है एज कम्पेयर टू 2.5 लाख रुपए देने का. गेटिंग इट फाइन? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए टीडीएस की एक इम्प्लीकेशन लेके आई. एक तो टैक्स गवर्नमेंट को हर महीने मिलने लग गया, साल के एंड तक का वेट नहीं करना, और गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम्हारा कोई रिफंड बनता है तो टाइम पर रिटर्न फाइल करोगे तो मैं तुम्हारा रिफंड भी वापस कर दूंगा. ठीक है, पॉइंट हो गया क्लियर वाला? तो जो वर्ड आप सेकंड सुनते हो इनकम टैक्स में, यू लिसन अ वर्ड विच इज नोन एज टीडीएस. ठीक है, टीडीएस पे किसी को कोई क्वेरी है? इवन बैंक को बोला एफडी का इंटरेस्ट देते हुए टीडीएस काटोगे? हाँ बोलिए पहले सर. दोबारा बोलिए. साल में टोटल इनकम जो होते हैं ना, तो कितना तक पे टैक्स नहीं लगेगा? अच्छा चलो, अब ये ना एक बहुत कैलकुलेशन वाला पॉइंट है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको छोटा सा. अभी इनकम पे गवर्नमेंट ने ये बोला मुझे इनकम टैक्स चाहिए, पहला पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट इज इनकम टैक्स चाहिए. लेकिन बहुत सारे लोग ना बहुत कम इनकम करते हैं, बहुत छोटी इनकम करते हैं. अगर उस आदमी से भी टैक्स ले लिया जाए ना, तो ये पॉलिटिक्स पे ना सब अगेंस्ट हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, कि हम थोड़ा सा कमाते हैं तुम्हें तो इस पे भी टैक्स चाहिए, तुम्हें तो इस पे भी टैक्स चाहिए. तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी. वो रिलैक्सेशन क्या बोली? इफ यू आर अर्निंग अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज अ मंथ, अगर आप कमा रहे हो, तो लिमिट बोली गई 2.5 लाख रुपीज पर एनम. गवर्नमेंट ने बोला अगर आप 2.5 लाख रुपीज पर एनम तक इनकम करते हो तो आपको एक भी रुपए का इनकम टैक्स नहीं लगेगा. कैन यू गेट फाइन? इट मींस 2.5 लाख रुपए तक की अगर आप सैलरी भी ले रहे हो या बिजनेस से प्रॉफिट कर रहे हो, योर इनकम टैक्स टर्न्स आउट टू बी जीरो. आपको एक रुपया नहीं देना गवर्नमेंट को. ठीक है, कैटिंग इट वेल. उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने स्लैब रेट्स बनाए. सपोज इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम 2.5 लाख to 5 लाख रुपीज, स्लैब रेट आप गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएंगे. हर साल नया स्लैब रेट आते हैं, यू जस्ट राइट स्लैब रेट, इनकम टैक्स स्लैब रेट आपको मिल जाएंगे. ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. गवर्नमेंट ने कहा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, मैं आपसे वैसे वैसे टैक्स लेना और ज्यादा स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ इक्विलिब्रियम. गरीब से कम टैक्स और अमीर से ज्यादा टैक्स लेना है मुझे, ताकि मैं आपको इक्विलिब्रियम पे आके लाके रखूं. गेटिंग इट फाइन? अमीर से ज्यादा टैक्स लेंगे, गरीब से कम लेंगे, ताकि आप दोनों इक्विलिब्रियम आके रुके, आपकी इनकम आपकी कमाई बराबर आके रुके. गेटिंग इट फाइन? तो उन्होंने बोला अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हो, फ्रॉम 2.5 लाख to 5 लाख रुपीज, आई विल चार्ज अ टैक्स रेट ऑफ 5%. यानी जो 2.5 लाख था वो तो फ्री सबके लिए है, 2.5 to 5 लाख पे मैं 5% चार्ज करूंगी, विच टर्न्स आउट टू बी 12,500 रुपीज. अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आपको 12,500 रुपए टैक्स पे करना होगा. ठीक है पार्टी वाला? अब एनी पर्सन गेनिंग इनकम अबव देन दैट, यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख to 10 लाख की अगर हम बातें करेंगे, तो गवर्नमेंट सेज यू हैव टू पे अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ योर इनकम. 5 लाख को छोड़ के जो ऊपर के 5 लाख बचे उसके ऊपर 20% निकालता हो तो 1 लाख रुपए बनते हैं. 1 लाख रुपए का टैक्स ये, और जो 12,500 आपका 2.5 लाख से 5 लाख बनता था, 1,12,500 रुपए का टैक्स बनेगा इन केस योर इनकम इज 10 लाख रुपीज. गेटिंग इट फाइन? और 10 लाख से ऊपर जितनी इनकम करोगे, आई चार्ज अ टैक्स रेट ऑफ 30%. तो जितना अमीर होता जाएगा, जितनी इनकम ज्यादा होगी, टैक्स ज्यादा लगेगा, दे विल चार्ज 30%. तो यानी अगर उसकी 20 लाख की इनकम है तो 3 लाख रुपए वो और 1 लाख, 4,12,500 रुपए का टैक्स बनेगा उसका. गेटिंग इट? शुरू का 2.5 लाख टोटली फ्री सबके लिए,
अगले 2.5 लाख पे 12,500, उससे अगले 5 लाख पे 1 लाख रुपए, और उसके बाद जितनी कमाई करोगे सब पे 30%। ठीक है, गेटिंग इट? तो ये स्लैब रेट्स हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ये स्लैब रेट्स हैं। इसमें और भी 2 ऑप्शन जोड़ी गई, अगर आपकी इनकम 50 लाख से अबव है तो मैं 10% और एक्स्ट्रा टैक्स लूंगी आपसे, और अगर आपकी इनकम विद इन एन ईयर 1 करोड़ से ऊपर है तो मैं 15% एडिशनल लूंगी आपसे। तो उन्हें सरचार्ज बोला गया, सुपर सरचार्ज बोला गया उन्हें, तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। आपको जो याद रखना है, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख रुपए तक, जो 2.5 लाख से लेके 5 लाख है उस पर सिर्फ 5% ऑफ टैक्स है, 5 लाख to 10 लाख पे सिर्फ 20% ऑफ टैक्स है, और 10 लाख अबव पे 30% टैक्स है। डन? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सिर्फ एक लाइन और जोड़ूंगा इसके अंदर, फिर आई थिंक कुछ क्वेरी आ रही है, बीच में लूंगा उसके बाद। ये तो थे स्लैब रेट जो गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है, लेकिन आज की डेट में आपको पता है इनकम ऐसी हो चुकी है कि 20,000 रुपीज अमंथ क्या होता है, आप खर्चा भी नहीं निकाल सकते। Getting it fine. But government को कहीं ना कहीं इस तरीके से करना था कि अगर आप 5 लाख से ऊपर रखते हो तो मुझे ये 12,500 रुपीज आपसे चाहिए। तो गवर्नमेंट एक और बीच में क्लॉ लेके आई या रूल लेके आई कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है ना, इफ योर टोटल इनकम फॉर द ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज, ठीक है, आपको जो 12,500 पे करने है ना, मैं ये भी माफ कर देती हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा सर रिटर्न 4 लाख की, 4.5 लाख की, 5 लाख तक रिटर्न पे कोई टैक्स नहीं है, जो आप लोगों ने लाइन सुनी होगी। लेकिन एज सून एज यू क्रॉस 5,01,000 रुपीज, आपको पूरे 12,500 रुपए पे करने पड़े। गेटिंग इट? तो इफ योर इनकम इज 4,98,000 या 4,99,000, योर इनकम टैक्स इज 0, वेर एज अगर आपकी इनकम 5,10,000 रुपए है तो आपको 12,500 रुपए का टैक्स लगेगा। गेटिंग इट फाइन? तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कि 5 लाख के ऊपर टैक्स है, स्लैब रेट्स ही है, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। Getting it fine? तो this is a part of income tax. अब पूछिए क्वेरी किसकी है? सर, जो इनकम एक क्या बोलते हैं 1 महीने में 1 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स इज योर टोटल इनकम, एक आदमी के 10 बैंक अकाउंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हर बैंक अकाउंट में सेम पैन नंबर अपडेट है एंड इनकम इज योर्स। अगर वो आपकी अपनी इनकम है तो आपकी इनकम अकाउंट होगी, बिकॉज इनकम बनती है पैन कार्ड से, नॉट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। आप 25 बैंक अकाउंट खोल के सब में थोड़े थोड़े पैसे डालो तो भी सब क्लब करके 1 माने जाएंगे। ठीक है क्वेरी? ठीक है, चलिए अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ। अभी तक हमने 2 चीजें बात करी, 1 वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न जो हमें फाइल करनी पड़ती है हर साल। द सेकंड पार्ट जो मैंने आपसे बात करी सर टीडीएस की, टीडीएस भी कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो गया। सर टीडीएस का पॉइंट हमें क्लियर है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि फ्यूचर में ये पेमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है ओनर को या उस पेमेंट देने वाले को, कि आप पहले ही उसका एक टीडीएस काटो, कुछ टैक्स काट लो, गवर्नमेंट को जमा करा दो। ठीक है, डन पार्टी? 2 पार्ट क्लियर हो गए। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि गवर्नमेंट के पास मेरा कितना टैक्स जमा है, वो कैसे चेक होएगा? ये भी तो मांगूंगा मैं गवर्नमेंट से कि सर आपने मेरे एम्प्लॉयर को बोला था, जो मेरा ओनर था उसने कुछ टीडीएस काट लिया और आपको जमा करा दिया, आप मुझे ये बताओ आपके पास कितना पैसा मेरे ओनर का पहुंच गया, उसने कितना पैसा मेरे नाम से आपके पास जमा करा दिया, क्या मैं गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लूंगा या नहीं लूंगा? कन्फर्म लूंगा। ठीक है ना, तो मैंने गवर्नमेंट को बोला भाई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो दो मेरे हाथ में कि मैं ये पता कर पाऊं कि मेरा बैंक में जो इंटरेस्ट आना था वो पूरा नहीं आया, उन्होंने कुछ पैसा आपके पास जमा करा दिया, मैं कहीं जॉब कर रहा था उसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, वो गवर्नमेंट को कुछ जमा करा दिए। गेटिंग इट फाइन? तो कई जगहों से आपके पास पैसे जमा हो गए मेरे, आपके पास टोटल मेरे कितने पैसे जमा है ये तो बताओ पहले। ठीक है, ये पूछूंगा मैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल
ये आपका राइट है, आई विल प्रोवाइड यू दैट इंफॉर्मेशन, और उसके लिए जब मैं इनकम टैक्स की साइट पे लॉग इन करता हूँ, हम इनकम टैक्स की साइट पे अगेन जैसे यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन करके वहां पे एक ऑप्शन है टू डाउनलोड फॉर्म 26AS, इसे बोला गया 26AS, ठीक है। अब इस 26AS में क्या होगा, ये हर साल का बनेगा मेरा, पर ईच एंड एवरी ईयर हर साल का सेपरेट बनेगा, प्लस जिन भी लोगों ने कहीं से भी मेरा कोई पैसा काटा है, चाहे वो बैंक ने काटा है, चाहे मेरे एम्प्लॉय ने काटा है, चाहे मेरी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन में कटा है, जो भी TDS कटा है, वो सारा का सारा उसके अंदर दिखेगा। इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट फॉर मी, और मेरे जितने भी लोगों ने पैसे काटे हैं सबका नाम मुझे उसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स साइट से निकलता है। जो कि सिर्फ मैं देख सकता हूं, मेरे पैन नंबर से और कोई नहीं देख सकता। इसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, कोई भी, ठीक है, इसमें आप देखोगे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। गवर्नमेंट ने ट्रैक करने के लिए आपको एक 26AS का फॉर्म दिया, जिसमें ये भी पता लगेगा आपका टैक्स कितना कटा है, प्लस और भी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आएंगी जो पहले ट्रैक नहीं होती थी, अब होने लगी है सारी। सपोज मैं गया और मैंने गाड़ी खरीद ली 20 लाख से ऊपर की, मैं रिटर्न नहीं भर रहा अपनी, गवर्नमेंट कहेगी एक आदमी जो एक रुपया नहीं कमाता वो ये कहता है मेरी एक कमाई नहीं है, 20 लाख की गाड़ी कैसे खरीद ली इसने। तो पहले ये ट्रैक नहीं होता था, अब क्या होगा 26AS में जिस भी आप शोरूम से गाड़ी खरीद के लाओगे वो आपका पैन नंबर लेके गवर्नमेंट को अपडेट कर देगा कि इस आदमी ने मेरे यहाँ से 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है। अब आप बोलो मेरी इनकम नहीं है, गवर्नमेंट कहेगी अब बताऊंगी मैं तुम्हें, आई बात समझ में। एक आदमी ये कहता है सर मेरी इनकम कुछ नहीं है और क्रेडिट कार्ड के बिल पे करके 2-2 लाख रुपए के, वो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को बोल दिया कि तुम बताओगे किस किस बंदे ने 2 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया एक साल के अंदर, वो सारा आएगा। फिर वो लिखेंगे इसके अंदर इनकम टैक्स तो 1 रुपए का जमा नहीं है, रिटर्न भी कुछ नहीं है।